हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 8 सितंबर और मैंने व्लॉग कल नहीं डाला था, तो आज 8 सितंबर से ये शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मम्मी एक्चुअली ये फूल दिखा रही थी, तितली शेप में है ये देखिए, पूरा सही में पूरा तितली लग रहा है। तो ये उल्टा है, मतलब ऐसे में ऐसे तितली जैसा। वो कौन सा है फूल पर पता नहीं, नाम नहीं मालूम। इसका मालूम है ना, गुलबकावली का अमरकंटक का है। गुलबकावली गुल अजीब बकावली ये अमरकंटक में होता है। अच्छा, इसका दवाई बनती है, औषधि है। अच्छा, आँख की दवाई बनती है, फूल से बनती है। ये भी कितना प्यारा लग रहा है। ये भी मुरझा गया। देखिए, मैंने गार्डन घुमा रही थी तो मैंने ये बंदर बैठे हुए थे काले मुंह के ऊपर छत पे। एक्चुअली मुझे जाना था शाम को घूमने, तो फिर मैं नहीं गई। मैं एक्चुअली जैसे कि आप लोग को बताई ना, साइकिल रख लिया है, तो ऊपर छत में जाना था वॉक करने, पर छत में ना जाके मैं साइकिलिंग चला ली। मैं सोची चलो इसी को ही चला लेती, क्योंकि ऊपर बंदर बैठे हुए थे तो हिम्मत नहीं हुई जाने की। काले मुंह के बंदर बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब उनसे उनको देख के ही इतना डर लगता है। तो मैंने बोला यार नहीं जा रही हूँ, यही साइकिल ही चला लेती हूँ। और ये गाइस, मम्मी एक्चुअली गुजिया बना रही थी। महालक्ष्मी की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। एक्चुअली मेरी फर्स्ट है महालक्ष्मी, मतलब मैं पहली बार व्रत रहूँगी। तो यहाँ पर ना छीटा चलता है, मतलब बाइना बोलते हैं हमारे चंदिया साइड तो, और यहाँ पर छीटा बोलते हैं। जैसे पहली बार पूजा करूँगी तो बड़े लोग को मतलब मैं बाइना दूँगी। बाइना आप सब आप लोग शायद जानते होंगे क्या होता है बाइना का मतलब। जैसे गुजिया पपड़ी वगैरह जो बनती है ना, वो अपने से बड़े लोग को मतलब देते हैं। तो ये मम्मी बना रही थी गुजिया का, कसार बोलते हैं, तो मसाला जो भरते हैं वो बन गया है। ये देखिए हमारी गुजिया भरकर तैयार हो गए हैं। और ये दीदी गुजिया भर रही थी, साथ में गोट भी रही थी, क्योंकि मुझसे गोटते नहीं बनता है। और मम्मी पपड़ी के लिए, खस्ता के लिए आटा गूंद रही थी। और हमारे यहाँ जो गुजिया बनती है ना, उसका जो आटा लगता है उसमें मम्मी ना नमक डालती हैं, तो उससे बढ़िया टेस्ट आता है। वैसे चंदिया में तो, चंदिया साइड नहीं डलता है, इधर पे डलता है। और ये मैं बेल रही थी गुजिया के लिए पपड़ी, मतलब गुजिया भरना है जिसमें। और ये दीदी गोट रही थी। हम तीनों अपने अपना अपना काम पकड़ लिए थे। यहाँ पर ना थोड़ा सा गुजिया खरी सेकते हैं, और खरी खरी गुजिया इनको बहुत पसंद है। आप लोग गोट लेते हो कि नहीं, आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि मेरे से ना, मैं इतने अच्छे से बन तो रही थी पर उतने अच्छे से नहीं आ रही थी। ये देखिए दीदी बना रही है, कितने अच्छे से गुट रही है। पूरा एक एक उसका गुजिया का अलग से दिख रहा है गुठा हुआ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। कई लोग तो सांचे से भी बनाते हैं गुजिया, वो भी अच्छी लगती है, बट यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इस टाइप से गुठी हुई गुजिया पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोग यही बना रहे थे। तो गाइज ये देखो, गर्मा गर्म गुजिया बन रही हैं। मम्मी एक्चुअली देख रही थी गुजिया को, और ये देखिए हमारी गुजिया भी निकल गई हैं कुछ। और ये हम लोग ये चंदिया से डिब्बे जो मिले थे मुझे, तो इसके बाद अभी यूज़ हो रहे हैं, शादी में जो आए थे अभी यूज़ हो रहे हैं, तो बस उसमें ही हम लोग भर कर रख दिए थे। क्योंकि अभी बारिश के टाइम पे ना, थोड़ा बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा भी कुछ भी सामान रखो ना तो जल्दी सीख जाता है, तो हम लोग थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें रख दिए थे। अच्छा, किसी ने मुझे एक बार कमेंट किया था कि आप लोग न्यूज़पेपर खाने में यूज़ क्यों करते हो, तो एक्चुअली इतनी सारी क्वांटिटी में जब सामान बनता है ना, तो न्यूज़पेपर ही मुझे सही लगता है। मतलब हम लोग हमेशा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है, और टिश्यू पेपर कितना यूज़ करेगा इंसान। आपके फैंस भी देखें कि देखो जानो भैया, आपकी यूट्यूबर ससुराल सिनी की सिनी हलवाई के रूप में ये निकाल रही हैं। ये हम लोग की मेहनत भी है।
और गाइज ये देखिए, ये बना रहे थे हम लोग मटरी। एक्चुअली पापा बोले कि सलोनी भी बना लेना, तो बस ये पतली वाली जो बनती है मटरी, इसे मटरी बोलते हैं, तो ये मैं काट रही थी, बनाकर बेल लिया है खूब पतला सा, और ये काट रहे थे बस। इसके बाद ये ना बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, क्रिस्पी चाय के साथ खा लो या फिर स्नैक्स में थोड़ा बहुत ले लिया, बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे ये पपड़ी की ही है, आटा तो था ही, तो हम लोग ने इसको भी बना लिया था। ये देखिए बर्फी शेप में इसको काट लिया है मैंने। एक्चुअली मम्मी थक गई थी, काफ़ी देर हो गई थी, तो मैं बोली चलो मैं बैठ जाती हूँ, मम्मी आप थोड़ी देर आराम कर लो। तो यहाँ पर ये दीदी बना रही थी अभी, इसके पहले मैं काट रही थी, और ये दीदी काट रही हैं, तो हम और दीदी लगे हुए थे कुछ ये सब करने में। हम लोग की बहुत मस्ती भी चल रही थी, साथ में बातें भी चल रही थी। और ये देखिए ये मटरी भी बन गई हैं, कितनी बढ़िया दिख रही हैं। थोड़ा सा अभी और ये खड़ी होंगी ना तो अच्छा कलर आ जाएगा। सो गाइज़ मैं ये 7 तारीख को मैंने बनाया था ये पाव भाजी, इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली थी और इसे बारीक बारीक काट लूँगी, और पत्ता गोभी भी लिए थे, और टमाटर लिया था, प्याज लिया था, और बॉयल आलू लिया था। तो पहले तो मैं शिमला मिर्च आप लोग देख सकते हैं एकदम बारीक चॉप्ड कर रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं पत्ता गोभी को मैं किस रही हूँ। एक्चुअली मैंने धोकर साफ़ कर लिया है, उसके बाद किस रही हूँ, क्योंकि वो भाजी में ज़्यादा बड़ी बड़ी आती है ना तो खूब मुंह में आएगी, इसलिए मैंने सोचा चलो इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो बस वही, और मैं बताने को भूल गई थी, गाजर भी लिया था मैंने, और इसके लिए प्याज भी बारीक चाहिए। तो ये कटर बहुत अच्छा है, मैं इसमें सारी प्याज काट कर डाल दूँगी, तो एकदम बारीक चॉप्ड हो जाएगी प्याज, बहुत अच्छा है, हाथ से काफ़ी टाइम भी लगता है, तो ये सही है। लहसुन अदरक कूटो, अच्छा से कूटो, ऐसा हाँ जोर लगा के फोड़ दूंगी। क्या फोड़ दोगे तुम, कुछ नहीं फूटने वाला, फोड़ो तुम, दम देके तो मैं कितने फोड़ देते थे, आप तुमने फोड़ दिया तो मान जाएंगे दम है। तो ये देखिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें मैंने डाल दिया है बटर, बटर के साथ थोड़ा सा डाल दिया है इसमें ऑयल, क्योंकि वो दोनों डाल देंगे ना तो अच्छा टेस्ट आ जाता है भाजी का। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गरम कर लेती हूँ, गरम होते ही मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा के साथ डाल दी है हरी मिर्च, और इसको हल्का सा तड़कने के बाद इसमें मैंने डाल दी है जो लहसुन अदरक का मैंने जो पेस्ट बनाया है वो डाल दिया है, और हल्का सा इसे सोते होने देंगे, और ये भुन गया है। इसके बाद मैंने ये प्याज डाल दिए, देखिए कितनी बारीक प्याज कटी है, कटर से काटा है, तो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज है अच्छी पक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए प्याज भी अच्छी सी भुन चुकी है, और इसके बाद मैं सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल दूँगी, जैसे कि मैंने इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, इन तीनों चीज़ को डाल दूँगी। थोड़ा सा पहले कैप्सिकम और कैरेट को मिक्स कर लूँगी, उसके बाद डालूँगी कैबेज, और इसके बाद मैंने डाल दी है पत्ता गोभी। एक्चुअली मुझे कम लग रही थी, और डाल देती हूँ थोड़ा सा, और इसे ढककर पका लूँगी, और मसाले बाद में डालूँगी, पहले इनको थोड़ा सा पका लूँगी, उसके बाद मैं पाव भाजी मसाला और नमक डाल दिया है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से अपने, और 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढककर पका लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पक गई है, और इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून डाल दूंगी इसमें पाव भाजी मसाला, क्योंकि पाव भाजी का मसाला हम थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण भाजी का टेस्ट आता है। तो 2 चम्मच मैंने डाल दिया है पाव भाजी मसाला, और आप लोग देख सकते हैं कितना कलरफुल दिख रहा है, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। तो ये भाजी का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी ताकि जो भाजी है अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए। अभी मैंने पानी नहीं डाला है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लहसुन की चटनी डाल रही थी, ये ढेचा मिलता है मार्केट में तो वो रखा हुआ था। अगर आप लोग के पास तो ये नहीं होगा सेजवान चटनी हो तो आप उसको भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर लाती है, और कलर भी काफ़ी अच्छा जाता है। कलर तो वैसे भी मेरा भाजी का अच्छा आ गया था पहले ही, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, उसे टेस्ट बढ़िया आ जाता है। और इसके बाद ये बॉयल आलू मैंने कद्दूकस कर लिए थे, बॉयल आलू रखे थे तो मैंने ये कद्दूकस कर लिया है, इसके बाद ये मिक्स कर लिया है, तो मिक्सचर हमारा बन गया है बढ़िया।
और ये अच्छे से भून भी गई है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, आपको कैसा सूखी चाहिए भाजी या फिर ड्राई भाजी चाहिए या फिर ग्रेवी चाहिए, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। गाइस पानी डालने के बाद मैंने इसे ढक्कन बंद कर दिया था, तो ये देखिए ये भाजी अच्छे से तैयार हो गई है। और इसे अच्छे से चला लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं बढ़िया सी भाजी वहीं बनकर तैयार हो गई है, पाव भाजी। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दूंगी बटर। बटर जब तक नहीं डालो भाजी में तो उसका स्वाद ही नहीं आता है। साथ में इसमें डाल दूंगी मैं नींबू का रस, क्योंकि पाव भाजी बिना नींबू के रस के बिना अधूरी है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये धनिया पत्ती डाल दी है, तो गर्मा गर्म हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी। सो गाइस भाजी तो मैंने बना ली और अब पाव सेक लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है और पाव भाजी मसाला डाल दिया है। और इसको गर्म होते ही मैंने ये देखिए ब्रेड रख दी है, पाव रख दी है, और इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। आई होप आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बने थे, एकदम मार्केट जैसे, सबको बहुत पसंद आए। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।